19वीं शताब्दी के मध्यकाल के दौरान ब्रिटेन में आयरिश इमिग्रेंट्स धड़ल्ले से आ रहे थे और इसका असर वहां के सबसे बड़े शहर लंदन में दिखने लग गया था। लंदन के पूर्वी हिस्से में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही थी और ऐसे में आम लोगों में गरीबी अपने चरम सीमा पे थी। लोगों के पास सोने तक की जगह नहीं होती थी और कई औरतों को वैश्यावृत्ति का सहारा लेना पड़ रहा था। 7 अगस्त 1888 की सुबह व्हाइट चैपल एरिया में रह रहे जॉन रीव्स नामक इंसान को एक औरत की मृत शरीर मिलती है और उस शरीर को देख कर ये साफ था कि किसी ने उस औरत का खून किया है। इस औरत को बड़ी बेरहमी से मारा गया था। इनफैक्ट द रिपोर्ट सेज कि उसे 39 बार छुरा भूखा गया था और ये औरत एक वैश्या थी जिसका नाम मार्था टैबरम था। टैबरम की हत्या बीच रात में हुई थी और यहीं से लंदन में शुरू होता है एक खूनी खेल जिसमें कई वैश्याएं मृत पाई गई, लेकिन उनके कातिल को आज तक पकड़ा नहीं जा सका। तो आखिर ये कातिल कौन हो सकता था, वो ऐसा क्यों कर रहा था और उसने कितनी हत्याएं की, इन सब पे हम बात करेंगे आज की वीडियो में। Two British scientists are finally revealing the DNA evidence they say helped solve one of history's biggest crime mysteries, the identity of Jack the Ripper. The savagery of Jack the Ripper's crimes terrorized the residents of London. No one was even charged, although the police have had their suspicions. व्हाइटचैपल क्षेत्र में अपराध होना कोई हैरानी वाली बात नहीं थी, लेकिन टैबरम की हत्या इतनी निर्दयता से की गई थी कि इस अपराध ने सबको झकझोर के रख दिया था। इस घटना के ठीक कुछ दिनों बाद 31 अगस्त को मेरी एंड निकोल्स की हत्या सिमिलर तरीके से होती है और पोस्टमार्टम से एक बात कंफर्म थी कि जो भी ये कत्ल कर रहा था उसे इंसानी शरीर के अंदरूनी हिस्सों की काफ़ी जानकारी थी। आने वाले कुछ दिनों में 4 और ऐसी हत्याएं होती हैं जो कि एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडोविस और मेरी जेन केली की थी और इन सब में एक बात ये कॉमन थी कि ये सभी औरतें वैश्यावृत्ति से किसी न किसी तरह से जुड़ी थी। इन 5 विक्टिम्स को कैनोनिकल 5 विक्टिम्स के नाम से जाना जाता है और रिपर इन्हें बहुत बेरहमी से मारता था। अगस्त से लेकर दिसंबर के दौरान व्हाइट चैपल में कुल 11 औरतों का कत्ल हुआ, जिनमें से 5 को रिपर से कनेक्ट किया जाता है, लेकिन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इन 11 कत्लों के पीछे रिपर का ही हाथ था। इस पॉइंट पे लोगों तक इन कत्लों की बातें पहुंचने लगी थी और लोग इस कातिल को कई नाम से पुकारने लगे थे, जैसे कि व्हाइट चैपल मर्डरर, लेदर एप्रन और जैक द रिपर। जैक को लेके पुलिस के पास कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ऑल्दो उन्हें एक दो आई विटनेस जरूर मिले थे जिनका मानना था कि शायद उन्होंने जैक की झलक देखी है। क्लियरली तो नहीं, लेकिन हाँ, झलक जरूर देखी है। अब जैक द रिपर के केस में हम आज तक गेस ही कर रहे हैं कि असली किलर कौन था, लेकिन कई ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें हमें पता चल जाता है कि किलर कौन है, और ऐसा ही कुछ केस है रमन राघव का, जो कि एक इंडियन सीरियल किलर था। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि उसके बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा। वेल, उस केस की जानकारी के लिए आप कुकू एफएम पे जाके डिकोडिंग रमन राघव की ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जिससे आपको काफी नॉलेज मिलेगी और आपको एक अच्छी पर्सपेक्टिव मिल जाएगी उस पूरे सिचुएशन पे। मैं आपको बता दूं कि कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां आपको 4,500 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी, जिन्हें आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हो। ये ऑडियो बुक्स रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, क्योंकि ये मेड इन इंडिया ऐप है। कुकू एफएम पे आपको ऑडियो बुक समरीज भी मिल जाती है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि किसी भी बुक को सुनना या फिर उसकी समरी को सुनने से ना सिर्फ आपका टाइम बचता है, बल्कि आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। और ये बताने की तो जरूरत है नहीं कि बुक से कितनी नॉलेज मिल सकती है, और ऑडियो फॉर्म में तो बात ही अलग है। अब मैं ना कुकू एफएम के लोगों से बात करके आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर लेकर आया हूँ, ध्यान से सुनो। यूजर्स जो कि इस ऐप को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक से डाउनलोड करेंगे, उन सभी को 50% ऑफ मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे। जी हाँ, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का था, वो अभी मिलेगा आपको सिर्फ 199 रुपए में। करना क्या है आपको, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, जो कि है SUNO50 SUNO50। अब आई नो आप हॉरर लवर्स इस ऑफर का भरपूर इस्तेमाल करके ऑडियो बुक्स को सुनने वाले हो, और मैंने यहां आपको एक सजेशन दे ही दिया है, डिकोडिंग रमन राघव। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 31 मई तक है, तो जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में लिंक पड़ा है, क्लिक करो लिंक पे
कुकू एफएम को डाउनलोड करो, उसका सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि 399 का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है सिर्फ 199 में। मैं पर्सनली इसे यूज करता हूं एंड मुझे पता है आपको ये बहुत पसंद आएगा। खैर, कमिंग बैक टू द केस ऑफ जैक द रिपर, 1888 के बाद अचानक से ही ये कत्ल एकदम से रुक गए और इसके बाद हमें जैक के बारे में कुछ पता नहीं चला। पुलिस अपना काम कर रही थी और ऐसे में हमारे सामने कई सस्पेक्ट्स हैं जो कि शायद जैक द रिपर हो सकते थे, और अब हम उन्हीं सस्पेक्ट्स के बारे में बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 3-4 महीनों में पुलिस को कई लेटर्स मिले थे क्लेमिंग कि वो जैक द रिपर है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लेटर्स एवी ही किसी ने लिखा था। लेकिन 3 ऐसे लेटर्स थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे, और इन लेटर्स का नाम था डियर बॉस, सॉसी जैकी एंड फ्रॉम हेल। डियर बॉस लेटर को सिग्निफिकेंट इसलिए माना गया क्योंकि इस लेटर के साथ किलर ने अपने एक विक्टिम का छोटा सा ईयर पार्ट कट करके अटैच किया था, और इस लेटर से जैक द रिपर नाम भी सामने आया। सॉसी जैकी लेटर की हैंडराइटिंग डियर बॉस लेटर से मिल रही थी और इसमें 2 कत्लों की बात हुई थी जो कि ठीक 24 घंटे पहले हुई थी। फ्रॉम हेल लेटर की हैंडराइटिंग तो अलग थी, लेकिन इसमें भी बॉडी पार्ट्स भेजे गए थे, विच अगेन वाज अ लीड फॉर द पुलिस। तो अब जब आपको इन चीजों के बारे में पता है, लेट्स डिस्कस द सस्पेक्ट्स। सस्पेक्ट नंबर 1, मॉन्टाज जॉन ड्रुइट। ड्रुइट एक ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड मैन था और वो व्हाइट चैपल से कुछ मीलों दूरी पे ही रहता था। ड्रुइट को जानने वाले लोगों का कहना था कि वो सेक्सुअली थोड़ा अजीब था और कत्लों के वक्त उसे व्हाइट चैपल के आसपास देखा गया था, तो हो सकता है उसने ये सब किया हो। लेकिन यहाँ एक अजीब बात यह है कि ये सब होने के कुछ ही हफ्तों बाद ड्रुइट थेम्स नदी में कूद कर खुद को मार लिया था, और उसने अपने पीछे एक नोट भी छोड़ा था। नोट में वैसा कुछ खास तो नहीं था, लेकिन इस नोट के मिलने के बाद ही ड्रुइट को कई लोग सस्पेक्ट मानने लगे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि नोट से एक बात क्लियर थी कि ड्रुइट मेंटली इल था, एंड देन उसके सेक्सुअली थोड़ी अजीब होने वाली बात भी सामने आ गई। सस्पेक्ट नंबर 2, कार्ल फीगनबॉम। कार्ल एक 54 इयर्स ओल्ड जर्मन मर्चेंट सेलर था और अपने लाइफ टाइम में उसने कन्फेस किया था कि वो औरतों को बुरी तरह मार डालता है। कार्ल के लॉयर तक का मानना था कि वही जैक द रिपर है, और एक प्रूव्ड कत्ल के केस में कार्ल को सजाए मौत मिली थी, यानी कि अगर कार्ल सच में जैक द रिपर था तो उसे सजा मिल गई। सस्पेक्ट नंबर 3, एरन कॉस्मिंस्की। एरन पेशे से एक बार्बर था और वो मेंटली स्टेबल नहीं था। आई मीन ही वॉज नोन टू हेट वुमेन, और इसीलिए इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उसने ये सब करा होगा। 1889 में उसे मेंटल असाइलम भेजा गया था जहां उसकी मौत हो गई। तो ऐसे में कई लोगों का मानना है कि एरन ही जैक द रिपर था। सस्पेक्ट नंबर 4, फ्रांसिस क्रेग। फ्रांसिस और कोई नहीं बल्कि लास्ट विक्टिम मेरी जेन केली का पति था, और वो एज ए रिपोर्टर व्हाइट चैपल में काम करता था। लोगों का कहना था कि फ्रांसिस स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफर कर रहा था, और जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी सीक्रेटली वैश्यावृत्ति में लगी थी, तो उसने कई वैश्याओं को और फाइनली अपनी पत्नी को भी मार दिया। कई लोग ये तक कहते हैं कि उसने दूसरी वैश्याओं को इसलिए मारा ताकि लोग उसे पकड़ न सके, एंड फाइनली उसका प्लान अपनी पत्नी को ही मारने का था। अब फ्रांसिस पे मुझे तो बहुत ज्यादा शक नहीं है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि वही जैक द रिपर था। सस्पेक्ट 5, वॉल्टर सिकर्ट। सिकर्ट एक पेंटर था जो कि वैश्याओं की तस्वीरें बनाता था, और ऐसा माना जाता है कि उसकी तस्वीरों में हमेशा कत्लों से जुड़े कुछ संकेत होते थे। सिकर्ट इम्पोर्टेंट था, यानी कि उसके प्राइवेट पार्ट के कई ऑपरेशंस हो रखे थे एंड इट वाज डिसफंक्शनल, और इसी बदले के भाव में शायद वो वैश्याओं को मार रहा हो। एक किताब है जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ द किलर जैक द रिपर। इसमें ऑथर पैट्रिशिया ने कई पॉइंट्स दिए जिससे ये साबित हो सके कि वॉल्टर ही रिपर था। इनफैक्ट कुछ लेटर्स के डीएनए तक वॉल्टर से काइंड ऑफ मैच हुए, लेकिन इसे कंक्लूसिव प्रूफ नहीं कहा जा सकता। सिकर्ट की मौत 1942 में हुई और ये राज उसी के साथ चला गया। हो सकता है वही जैक द रिपर हो, या फिर वो नहीं भी हो सकता है। तो ये थे 5 प्राइमरी सस्पेक्ट्स, और इट्स क्वाइट पॉसिबल कि रिपर इनमें से एक भी ना हो, या ये भी हो सकता है कि जो कत्ले हुई थी उनमें सिर्फ एक नहीं बल्कि इनमें 2-3 लोगों का हाथ हो, या फिर इन 5 में ही कोई रिपर हो। अब सच्चाई क्या है ये तो मुझे नहीं पता, एंड जैक द रिपर को आज तक पकड़ा भी नहीं जा सका। लेकिन यहाँ मैं आपसे आपके थियरीज ओपिनियन जरूर पूछ सकता हूँ, है ना? तो आप अपने सोच को हमें कमेंट से बता दीजिए ना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहली लिंक पर क्लिक करके आप कुकू एफएम को डाउनलोड कीजिए, और ऐसा करते वक्त आप मेरा कोड सुनो50 जरूर यूज करना ताकि आपको सब्सक्रिप्शन पे 50% डिस्काउंट मिल जाए, यानी कि 399 की सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 में। नाउ जाते जाते हमारे चैनल
हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।